हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। आज है थर्सडे यानी कि टीआरपी डे, और आज की फुल टीआरपी आपको सारे सीरियल्स की, सारे चैनल्स की इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर हफ्ते आप तक टीआरपी पहुँचती रहे। आइए देख लेते हैं अर्बन प्लस रूरल एरियाज़ में हमारे टॉप 10 चैनल्स कौन से बने हैं। नंबर 10 पे है सोनी सब, उसके बाद नंबर 9 पे है स्टार प्रभा, नंबर 8 पे है जी तेलुगु, नंबर 7 पे है कलर्स, नंबर 6 पे गोल्ड माइंस है, नंबर 5 पे उसके ऊपर स्टार प्लस, नंबर 4 पे है दंगल चैनल, नंबर 3 पे स्टार माँ है, नंबर 2 पर सन टीवी है, और नंबर 1 पे स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, बिकॉज स्टिल यहाँ पर वर्ल्ड कप वाली टीआरपी चल रही है। आगे बढ़ते हैं एन टीवी की तरफ, जहाँ पर दूसरी माह की टीआरपी इस हफ्ते 0.2 आई है। एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भी 0.2 है, भाभी जी घर पर हैं कि 0.3, और हप्पू की टीआरपी में इंक्रीज देखने को मिलता है और फिर से 0.3 तक ये सीरियल भी पहुंच जाता है। वैसे आगे जो हम चैनल्स में बढ़ेंगे, वर्ल्ड कप का इस बार काफ़ी इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगला चैनल है हमारे पास स्टार भारत, जहां पर मे आई कम इन मैडम की टीआरपी तो और भी नीचे चली गई है। हमने सोचा नहीं था कि 0.1 से भी नीचे जाएगी, लेकिन सीरियल की टीआरपी अब हो गई है 0.09। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं स्टार भारत के सीरियल्स आजकल। तो वैसे मे आई कम इन मैडम काफ़ी फनी भी हो गया है, स्टार्टिंग में नहीं बात आ रही थी सीजन 1 वाली, लेकिन अब काफ़ी बढ़िया चल रहा है। बट शो की टीआरपी काफ़ी डाउन चली जा चुकी है 0.1 से भी नीचे। सौभाग्यवती भव की वैसी ही है 0.1 हर हफ्ते की जैसे, और सावधान इंडिया की 0.2 है, एंड करंटली स्टार भारत पे 0.2 वाला सावधान इंडिया ही इस चैनल का हाइएस्ट टीआरपी शो है। देखते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में आशिकाना जो कि हॉटस्टार का सीरियल इन्होंने स्टार्ट किया है, वो कैसे टीआरपी लाएगा, और फिर जो शैतानी रस में नया सीरियल आने वाला है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल की तरफ, जो कि है दंगल टीवी। पूर्णिमा इस हफ्ते 0.4 की टीआरपी लेकर आया है। कैसा ये रिश्ता अनजाना की 0.4 देखने को मिलती है। मन अति सुंदर की 0.9 है। नथ जेवर है जंजीर की 0.4। इसके बाद मन सुंदर की 1.1 है। तो उसे नैना मिलाई के नए सीरियल की 0.7 देखने को मिलती है। उसके बाद दालचीनी सीरियल लेकर आया है 0.4 की टीआरपी इस हफ्ते, और सासूजी वाला सीरियल भी 0.4 ही लेकर आया है। यहाँ पर हाईएस्ट परफॉर्मर है मन सुंदर, जो कि 1.1 की टीआरपी लेकर आया है, एंड करेंटली दंगल चैनल पर सिर्फ एक यही सीरियल है जो कि 1 से ज़्यादा की टीआरपी लेकर आ रहा है। इसके बाद सेकंड बेस्ट परफॉर्मर मन अति सुंदर है 0.9 के साथ। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल की तरफ, जो कि है सोनी टीवी। तो कथा अनकही सीरियल इस हफ्ते लेकर आया है 0.2 के टीआरपी, और ये शो जब लास्ट हफ्ता आएगा उसकी टीआरपी कैसी आएगी वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे कुछ खास फर्क तो हमें देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद काव्या एक जज्बा एक जुनून की टीआरपी में इंक्रीज देखने को मिलता है इस हफ्ते। शो की टीआरपी 0.3 हो गई है। उसके बाद प्राइम टाइम स्लॉट्स पे जाएं तो बरसाते की 0.3 है, दबंगी सीरियल की भी 0.3 ही है, केबीसी की टीआरपी 0.7 देखने को मिलती है, और वीकेंड वाले शोज़ पे जाएं तो इंडियन आइडल की 0.6 आई और झलक दिखला जा की 0.7। तो यहाँ पर सोनी टीवी जैसा कि होप कर रहा था, झलक दिखला जा जिस तरह के नंबर्स इनके लिए लेकर आएगा, जिस तरह की व्यूअरशिप टीआरपी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा तो ये लेकर नहीं आ पाया है। झलक स्टिल कलर्स टीवी पे इससे बहुत ज़्यादा बेटर टीआरपी लेकर आया करता था, और जैसे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी कलर्स वाली टीआरपी सोनी पे नहीं लेकर आ पाया, वैसे ही झलक भी कलर्स वाली टीआरपी यहाँ पर सोनी पर लेकर आने में नाकामयाब रहा है। सोनी टीवी की एक्सपेक्टेशंस की जितनी थी उतनी अच्छी टीआरपी लेकर नहीं आया है। बट इसमें झलक की भी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी भी गलती नहीं है। सोनी पे कोई भी शोज़ परफॉर्म आजकल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ये चैनल में लोगों का इंटरेस्ट घटता ही जा रहा है। दंगल चैनल से भी कम है ये पोजीशन वाइज। उसके बाद आगे चलते हैं अगले चैनल की तरफ, जो कि है जी टीवी। क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है 0.5 की टीआरपी लेकर आया है, और मीत की 0.6 है। राधा मोहन इस हफ्ते 1.2 की टीआरपी लेकर आया है, स्टेबल है, और इसकी टीआरपी में ज़्यादा डिक्रीज वगैरह हमें ज़्यादातर देखने को मिलता नहीं होता। प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति लेकर आया है 0.8 की टीआरपी इस बार। उसके बाद भाग्य लक्ष्मी सीरियल की 1.5 है, ये भी स्टेबल ही रहता है मोस्टली। कुमकुम भाग्य की 1.3, कुंडली भाग्य की 1.5, रब से दुआ की 1.0 है, और आजकल थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। सारे गाँव भाग्य 0.7 है। यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर्स स्टिल वही हैं, भाग्य लक्ष्मी और कुंडली भाग्य, दोनों की टीआरपी 1.5 है। दोनों बेस्ट परफॉर्मर्स हैं जी टीवी के, हर हफ्ते मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेस्ट टीआरपी लेकर आते हैं।
बढ़ते हैं अब हम अगले चैनल की तरफ जो कि है सोनी सब, जहां पर पश्मीना की टीआरपी में हो चुका है डिक्रीज। सीरियल 0.4 लेकर आ रहा था पहले, लेकिन अब 0.3 पे गिर चुका है, तो परफॉर्मेंस में कुछ खास इन्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिली नहीं। दिल दिया गल्ला जैसे टीआरपी अब ये भी लाने लग गया है। उसके बाद है ध्रुव तारा, जिसकी टीआरपी में भी डिक्रीज देखने को मिलता है, 0.6 होती है मोस्टली, लेकिन इस बार 0.5 हो चुकी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीआरपी 1.5 है, पिछले हफ्ते काफ़ी इंक्रीज हुआ था लेकिन फिर से 2 को टच नहीं कर पाया और टीआरपी नीचे गिर गई। और मैं बता ही रहा हूँ वर्ल्ड कप का फैक्ट भी काफ़ी चल ही रहा है इस बार की टीआरपी में स्पेशली, आगे और देखने को मिलेगा। बागले की 0.9 है इस बार, पुष्पा की भी 0.9, यहाँ पर इनकी भी 1 से नीचे चली गई है। वंशज के टीआरपी में भी यहाँ पर हमें भारी डिक्रीज देखने को मिलता है, शो की टीआरपी 0.5 हो चुकी है। अब तो इसे 2 टाइम स्लॉट्स पे दिखाया जा रहा है, बट आने वाले हफ्तों में हम टीआरपी में इंक्रीज इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये वर्ल्ड कप का फैक्ट है, वर्ल्ड कप जाते ही टीआरपी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगला चैनल है हमारे पास कलर्स टीवी, जहाँ के शाम के टाइम स्लॉट वाले सीरियल से स्टार्ट करते हैं। सुहागन की टीआरपी 1.1 आई है, इसकी बढ़ती और अच्छी टीआरपी के कारण शो को एक्सटेंशन मिल गई है। उड़ारियों की टीआरपी पिछली बार से कम है लेकिन स्टिल बढ़िया है, 1.4 शाम के टाइम स्लॉट के हिसाब से। परिणीति की 1.7 है, पिछली बार से डिक्रीज हुई बट स्टिल बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। शिव शक्ति, अब हम प्राइम टाइम स्लॉट्स की ओर जाएं तो इसकी टीआरपी स्टिल मेंटेन्ड है। सीरियल की टीआरपी 1.8 है इस बार भी, जैसे कि पिछले हफ्ते थी, और कलर्स टीवी के लिए फिक्शनल स्पेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मर ये बना हुआ है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला भी। उसके बाद नीरजा है 1.4 की टीआरपी के साथ, इसकी टीआरपी में बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। डोरी की सेकंड वीक में टीआरपी में डिक्रीज देखने को मिलता है, पहले हफ्ते ओवरऑल टीआरपी थी 1.6 और ओपनिंग टीआरपी थी 1.5, लेकिन यहां पर इस बार ओवरऑल 1.3 ही है। उसके बाद चांद जलने लगा, इसकी टीआरपी में पिछले हफ्ते इंक्रीज देखने को मिला था, 1.2 से बढ़ गई थी, 1.4 पे आ गई थी, लेकिन इस बार वापस अपनी स्टैंडर्ड टीआरपी पे आ गया है जो कि है 1.2, जहां पर ये स्टार्टिंग से जैसा कि परफॉर्म कर रहा था। बिग बॉस की ओवरऑल टीआरपी में भी इस बार हमें डिक्रीज देखने को मिला है, पिछले 2 हफ्तों से 1.9 पे जा रहा था लेकिन इस बार 1.5 ही देखने को मिलती है हमें यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं वर्ल्ड कप का इफेक्ट। उसके बाद स्टार प्लस के शोज़ की ओर चलते हैं, जहाँ पर काफ़ी वर्ल्ड कप इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तेरी मेरी डोरियाँ की 1.6 बहुत टाइम के बाद 2 से नीचे टीआरपी आई है और एकदम से डिक्रीज मिला है इतना ज़्यादा। पंडे स्टोर की टीआरपी भी डिक्रीज है, 1.6 आई है। गुम है कि टीआरपी स्टिल 2 से ऊपर है और स्टिल बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट डिक्रीज तो यहाँ पर भी एविडेंट है। उसके बाद इमली सीरियल, जिसने पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा टाइम के बाद 2.0 के मार्क को टच करा था, लेकिन इसके टीआरपी में भी हमें यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल गया, एकदम 1.7 पे आ चुका है फिर से और 2 बार इस बार भी टच नहीं कर पाया। उसके बाद बातें कुछ अनकही सी की टीआरपी में भी डिक्रीज देखने को मिलता है, शो 1.4 को टच कर चुका है और यहाँ पर ये रिश्ता की टीआरपी में भारी डिक्रीज। यहाँ पर जनरेशन लीप वाले एपिसोड्स हैं ये, यानी कि लीप के बाद वाले एपिसोड, जो कि नई कहानी स्टार्ट हो चुकी है, सिर्फ 1.4 टीआरपी आई है। वर्ल्ड कप का इफेक्ट फुल फ्लेज्ड पड़ ही रहा है। अनुपमा की टीआरपी में भी भारी डिक्रीज है, शो 1.7 की टीआरपी ही बस लेकर आया है। ये हैं चाहते सिर्फ 1.4 की टीआरपी लेकर आया है, इसकी और गिरेगी जब ये 11 बजे पे जाएगा। और कह दूं तुम्हें कि 0.7 देखने को मिलती है, इसकी तो चलो इतनी ही होती है हर बार मोस्टली 11 बजे की स्लॉट पे, इस पे ज़्यादा वर्ल्ड कप का इफेक्ट पड़ेगा भी नहीं क्योंकि लेट नाइट वाली स्लॉट है 11 बजे की स्लॉट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने ज़्यादा सीरियल्स हैं जिस पे वर्ल्ड कप का इफेक्ट पड़ा है, टीआरपी एकदम से ड्रास्टिक डिक्रीज देखने को हमें मिल रहा है। कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट शो और चैनल कौन सा है, और फुल टीआरपी हर हफ्ते ऐसी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट टीआरपी वाला मिस ना करें, आपको पता चलता रहे आपका फेवरेट शो या फिर आपका फेवरेट चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, ऐसे सारे अपडेट्स लेटेस्ट टीवी शोज न्यूज़ के साथ आप बने रहें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ।